हंस का रूप था, पानी गंदा पिया। हंस का रूप था, पानी गंदा पिया। बन के कागा साकी सारे जगे तू न जागा। क्या कहा? कर्म उत्तम से, कोई उत्तम कर्म की आपने बहन पढ़े, कोई पिछले जन्म के कर्म है, ऐसा एक बहन पढ़ते, ये पिछले जन्म के उत्तम कर्म आपने किए और ये नर्तन पाया, ये नर्तन नहीं, ये हीरा है। और इस हीरे को, इस नर जन्म को अगर आपने हंस के रूप में आपको ये प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग नहीं किया और गंदा पानी पीने के लिए, पीते हैं आप लोग गंदा पानी? कितने लोग पीते हैं? हैं? नहीं पीते? ये जो आती हैं जो बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स, ये गंदा पानी है। ऐसी ऐसी उसमें वस्तुएं मिलाई जाती हैं, थोड़ा सा पढ़ लोगे है? आप समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें। फिर भी अब आप समझो, विचार करो। ये काय में बताया, काय में टीवी पर दिखाया कि उसमें उंगली निकली, यानी सारी चीजें फंस गई होंगी शरीर के सारे अवयव, एक आध बच गए कटर में। ये तो उदाहरण है, ऐसी कई चीजें पीस करके डल जाती हैं और आपके पास आ जाती है। आप जिब्बा इंद्री के वशीभूत होकर के महान पाप का स्रव कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अंत में सार बताया कि पाप हमारा शत्रु है। इसलिए बब्बात्माओं, इस पाप से बचो, इस पाप को छोड़ो। ये पाप ही तो गंदा पानी है, ये पाप की क्रिया ही तो गंदा पानी है, और जो अवक्ष पदार्थ है वही तो गंदा पानी है, भोजन है। इसलिए कौवा मत बनो, आप हंस हैं। सुन रहे हैं आप लोग? और हंस जो होता है वह क्या चुकता है? मोती चुकता है। क्योंकि कली काल है, इसमें उल्टा ही नजर आता है। तो कली काल में कहा है कौवा मोती, हंस चुनेगा। ये कली काल की विचित्रता है। हे बपात्मा, उस दिए जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को सुन करके आप कौवा मत बनो, क्योंकि उसमें तो लिखा है। तो हम भी दाना आदि नहीं, आप तो मोती खाने को भूल जाएंगे। अज्ञानी प्राणी वो दाना चुनेंगे, लेकिन जो अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, परमात्म रूप का ज्ञान रखते हैं, वो ऐसे अवक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। एक घटना पड़ी थी। एक बच्चा था। किसका बच्चा था? मनुष्य का नहीं, पक्षी का बच्चा था। वो बच्चा जिद करने लगा अपनी माँ से, माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो माँ कहती है, बेटा अपने यहाँ ऐसा वैसा पानी नहीं पिया जाता। तो कौन सा पानी पिया जाता है? तो माँ कहती है, हमारे यहाँ स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है उसका पान किया जाता है। जब स्वाति नक्षत्र आएगा और बूंद गिरेगी, तब वो पानी पी करके तृप्त हो जाते हैं। कौन से ऐसे पक्षी हैं? चातक पक्षी कहलाते हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो जिद करने लगे तो फिर पीछे पड़ जाता है। जब उसके मन में आ गई तो मम्मी चलो कहाँ,
कुंडल पर। अब वो बच्चा मान ही नहीं रहा, कुंडल पर कर रहा है भैया। चलो तैयारी। ऐसे ही बच्चा कहता मैं तो पानी पीऊंगा, माँ कहती पीओगे तो कहाँ पिएगा, वह कहता मैं तो गंगा नदी का पानी पीऊंगा, माँ कहती है आज गंगा नदी का पानी भी शुद्ध नहीं रहा, इसलिए नहीं ऐसा पानी पीने को। तू कहता है ठीक है मैं वहां का नहीं पीऊंगा, तू भी बताओ कहाँ का पानी। माँ कहती है मान सरोवर का पानी पीना, और कहीं का पानी नहीं पीऊंगा। कहता है ठीक है मैं मान सरोवर का पानी पी के आता हूं, मैं और कहीं का पानी नहीं पीऊंगा। निकल पड़ता है, लेकिन मानसरोवर तो बहुत दूर था। सायंकाल जैसे ही होती है और वह पक्षी, चातक पक्षी का बच्चा एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। वहीं पर एक बगल में कुटिया बनी हुई थी, वहां पर खटिया पर एक दादाजी बैठे हुए थे, और इतने में उन दादाजी का वह लड़का आ जाता है और पूछते हैं पिताजी दादाजी बेटा इतनी देर क्यों हो गई। तो वह सारी घटना सुना देता है कि दादाजी मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे पैसों से भरी हुई एक थैली मिली। थैली मिली तो क्या किया? मैंने सोचा कि मेरा एक रुपया गिर जाता है तो कितने परेशान होते हैं, उसी को ढूंढते रखते हैं, इसकी इतनी भरी हुई थैली गिर गई है वो कितना परेशान हो रहा होगा। मैं थैली लेकर के उस व्यक्ति को ढूंढने लग गया और ढूंढते ढूंढते लेट हो गया, वह व्यक्ति मिल गया। तो तुमने क्या किया? उस थैली को हमने उसके लिए दे दिया। जब उसको थैली दी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया कि आज भी ऐसे समय में ऐसे भी लोग हैं। उसने प्रसन्न होकर के कहा लो आधा धन मैं तुम्हें देता हूं। तो तुमने क्या किया? कहता दादाजी मैंने धन नहीं लिया, क्योंकि आपकी शिक्षा मुझे मिली है, जो परिश्रम से मिलता है वही ग्रहण करना चाहिए, किसी दूसरे का धन ग्रहण नहीं करना, और मैंने वापस कर दिया। तब उसके दादाजी ने उसको अपने कले से लगा लिया और दादाजी कहने लगे बेटा तूने आज उस चातक पक्षी के समान अपने कुल की आन बान और शान को जीवित रखा है। उस चातक पक्षी के समान, जैसे चातक का पक्षी अगर पानी पीता है तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। ये बात उस बच्चे ने सुनी। कौन बच्चे ने? चातक पक्षी। और वह कहता है मेरे कुल की प्रशंसा मनुष्य भी कर रहे हैं और मैं क्या करने जा रहा हूं। और उसने संकल्प लिया मर जाऊंगा, पानी यहां वहां का नहीं पीऊंगा, अगर पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का पीऊंगा। और वापस लौट करके माँ के पास आ जाता है। माँ पूछती है बेटा पानी पी करके आ गए? वह कहता है माँ अब मैं कहीं का पानी नहीं पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का पीऊंगा। माँ कहती ऐसी बात क्यों कर रहे, अभी तो तू पानी पीने गए थे। और उसने पूरी घटना सुना दी कि इस चातक पक्षी के कुल की प्रशंसा मनुष्य भी करते हैं और मैं क्या करने जा रहा था, मैं अपने कुल के ऊपर कलंक लगाने जा रहा था। माँ अब मैं पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का। इतना सुना नहीं पर माँ की आंखों में से आंसू झलक लग और अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा दिया।
आप भी जिनवाड़ी के पुत्र हैं। अगर आपने अपने जीवन में ये संस्कार डाल लिए तो जिनवाड़ी माँ आपको अपने हृदय से लगा लेगी, धन्य मेरा बेटा, हाँ इसमें मेरी प्रशंसा। इसलिए पपात्माओं ऐसे गंदे पानी को छोड़, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो अनछना पानी पीता है, निरंतर अनछने पानी का उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति कर्म का ऐसा बंधन करता है, नरकों में जाकर के वैतरणी नदी का पानी पीता है। कहां का? फिर यहां का पानी पीने को नहीं मिलेगा, नरकों में वैतरणी नाम की नदी है, खून और पीप की नदी है, जो भरी हुई तेजाब से भी ज्यादा तीव्र जलन उत्पन्न कराने वाली वह नदी है उसका पानी। इसलिए इन बच्चों के लिए यही तो संस्कार दिए जा रहे हैं कि बेटा पानी पीना तो छान करके पीना, नहीं तो प्यासे रहेगा, खून पसीने की मिलेगी तो, नहीं तो प्रसाद पूर्वक तो मिलेगा, किसी की चोरी नहीं करता, किसी के धन को हड़पना नहीं। एक ऐसे ही कुसंस्कार के कारण से एक व्यक्ति ने मंदिर का धन हड़प लिया और ऐसी दशा हुई कि सातवें दिन ही उसके शरीर से कोढ़ फूट गया और तड़प तड़प के बड़ा नरक की यात्रा प्रारंभ हो गई। वहां से निकल करके असंख्यात भवों में त्रस्त स्थावर पर्याय में परिवर्तन किया। जब वह कर्म कुछ कम पड़ा तो उसका जन्म उच्च कुल में हो गया, लेकिन जिस कुल में उसका जन्म हुआ धीरे धीरे उस कुल के सारे लोग उस कुल को छोड़ करके चले गए। जब पापी जीव आ जाते हैं तो ऐसी दशा होती है। उस नगर का मुखिया था और धीरे धीरे सारी संपदा लुप्त हो गई, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, मात्र एक माँ बची और बेटा बचा। एक दिन वह बेटा विचार करता है कि मेरी माँ दूसरों के यहाँ काम करने जाती, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मेरे रहते हुए माँ ऐसा करे, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वह निकल पड़ता है काम की तलाश में और खेत पर चने काटे जा रहे थे और वह भी काम में लग जाता है। वहाँ का जो मुखिया था सबको धन देता है, इसके लिए उससे पूछता है छोटा वाला किसका है। तब उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उस बालक को दी और जैसे ही उस बालक को मुद्राएं दी और वह अंगार बन गए। उसको ऐसा लग रहा है कि ये अंगार है और वह कहता है सबको तो आपने धन दिया पर मुझे ये अंगार दे रहे हो, मुझे नीचे। तब उसने विचार किया कि अब इसका तीव्र पापोदय चल रहा है। तब उसके लिए कुछ एक गठरी में एक थैली में क्या दे दिए, चने दे दिए और वह चना लेकर के जा रहा है। माँ दिन भर से इंतजार कर रही कि आज मेरा बालक कहाँ चला गया, लेकिन उसका पुण्य हीन था, धीरे धीरे थैली फटी हुई थी, चना गिरते गए और थोड़े से ही उसमें बचे। माँ ने पूछ लिया बेटा कहाँ गया था, बेटे ने सारी घटना सुना दी, माँ की आंखों में से पानी आ गया और अब कहती है इस नगर में हमें नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे यहाँ काम करते थे आज मेरे बालक को भी उनके यहाँ काम करना पड़ रहा है।
यही तो पाप और पुण्य का खेल है। इसलिए भवात्माओं निरंतर धर्म का संचय करो, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से धर्म में लगाओ, जिससे आगे हमारे लिए सुखी प्राप्ति हो। और माने विचार किया और चने आदि से अच्छा कलेवा तैयार किया और विचार किया कि लोगों के उठने के पहले ही इस गांव को छोड़ करके चलना है, उस गांव को छोड़ करके दूसरे नगर में वह पहुंच जाते हैं। माँ बेटे एक आंगन में जाकर के बैठते हैं, वहाँ का जो मुखिया था पूछ लेता है कि आप कहाँ जा रही हो, कहाँ से आए हो। उसने कहा मैं कर्म की मारी हूँ, जहाँ कुछ आजीविका मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा। तब उस व्यक्ति ने उसको वहीं पर रख लिया, यहीं पर रहो, अच्छी तरह से बना करके खिलाओ सब लोगों के लिए, आप भी खाओ। रख लिया और बालक से कहा कि बालक बछड़ों को चढ़ाने के लिए जाएगा। ऐसे करते हुए दिन बीतने लगे। उसके घर में खीर बनती थी सेठ के यहाँ। यह बालक दिखता रहता था खड़ा खड़ा, उसके जो पुत्र थे अच्छी खीर खाते थे और यह भी देखता रहता था और कहता मुझे भी खीर दो। वह बालक उसको मार देती थी। एक दिन रिश्ता बालकों ने मारा, उसका मुख सूज गया। तब वहाँ का मुखिया आया, उसने देखा बेटा ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई। तो उसने कह दिया मैं बार बार खीर मांगता और ये मुझे मारते हैं। तब उसको दया आई, उसने कहा जाओ ये चावल ले जाओ, ये पूरा है मीठा है इसको ले जाओ, ये दूध ले जाओ और अपनी माँ से कहना माँ मुझे खीर बनाओ, मुझे खीर खाना है। वह उसको सामग्री को ले जाता है, अपनी माँ को देता है और इधर खीर तैयार होती है। और वह वापस जैसे ही आता है और माँ से कहता है माँ मुझे खीर दो। माँ कहती है अच्छी तरह से स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके तैयार हो जाओ, जल भरने जा रही हूँ और सुनो कि खीर भी अपन को जल्दी नहीं खाना है, क्योंकि हमने पूर्व में ऐसा कर्म किया, कभी दान नहीं किया, कभी उत्तम पात्रों को अच्छा अच्छा भोजन नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। जो उत्तम आदि पात्रों को उत्तम वस्तुओं का दान करते हैं उनके लिए सारे उत्तम उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। हमारी दशा यही है बेटा, अब जल्दी नहीं करना, कोई अतिथि को हम कि पहले खीर देंगे फिर हम इस खीर को खाएंगे, यहीं बैठना, पर कोई अतिथि आ जाए तो रोक के रखना, जाने मत देना। और माँ तो चली जाती है जल भरने के लिए। इधर बालक देखता है कि एक यथाजात मुद्रा के धारी मासूपवासी रिद्धि संपन्न मुनिराज चले आ रहे हैं। उनको देख करके वह अति प्रसन्न हो जाता है। ओह आज तो मेरी लाटरी खुल गई, मेरे भाग्य जाग गए, आज मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसे इन अतिथि के लिए माँ अच्छा अच्छा भोजन देगी, खीर देगी और मैं भी पुण्य से भर जाऊंगा। और देखा तो वह जा करके निवेदन करने लगा कि हे महाराज रुको, मेरी माँ ने अच्छी मीठी मीठी खीर बनाई है, उस खीर को खाके जाना।